हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू क्यूरियस करी। आज की हमारी रेसिपी है चिकन आलू टिक्की। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चिकन आलू टिक्की एक बड़े ही मज़ेदार इवनिंग स्नैक है जिसमें बहुत सारे चीज़ है और चिकन का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो चलिए बनाते हैं हम चिकन आलू टिक्की। इसके लिए हम लेंगे चॉप्ड ऑनियन और कैप्सिकम। इसको हम तेल में अच्छे से भून लेंगे। और इसमें हम मिलाएंगे श्रेडेड चिकन, जो पहले से हमने बॉईल करके इसका श्रेडेड कर लिया है। अब इसको हम मिक्स करेंगे कैप्सिकम और ऑनियन के साथ और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें हम देंगे मिक्स्ड हर्ब 1 टेबलस्पून और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हम लो फ्लेम में पकाएंगे ताकि जो सब्जियां हमने डाली है वो अच्छे से कुक हो। अब इसमें हम डालेंगे टमाटो सॉस 2 टेबलस्पून और हम इसमें डालेंगे सॉल्ट स्वाद अनुसार और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और थोड़ी देर इसको कवर करके पकाएंगे। अब इसमें देंगे हम ब्लैक पेपर पाउडर चुटकी भर। अब हम इसमें देंगे स्वीट कॉर्न्स 2 टेबलस्पून और इसको भी हम मिक्सचर के साथ अच्छे से मिला लेंगे। हमारा स्टफिंग रेडी हो चुकी है, इसको हम अलग से रख रहे हैं। अब हमने मैश पोटैटो लिया है और उसमें हमने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और स्वाद अनुसार नमक मिला के इसको अच्छे से मैश कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमने जो स्टफिंग बनाए हैं वो हम डालेंगे। पोटैटो के अंदर हम जो स्टफिंग बनाए हैं चिकन का वो स्टफिंग देंगे और इसमें देंगे हम ग्रेटेड किया हुआ चीज़। मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। और इसको हम दोनों साइड से अच्छे से कवर कर लेंगे और टिक्की का आकार देंगे। हमारा चिकन टिक्की रेडी हो चुका है। अब इसको हम ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट करेंगे। बहुत हल्के से कीजिएगा, नहीं तो ये टूट सकता है क्योंकि काफ़ी डेलिकेट होता है ये। अब इसको हम तावा में फ्राई करेंगे एकदम कम तेल में, जैसे कि देख रहे हो आप कि हमने बस ब्रश किया है तेल का और इसमें एकदम ही कम तेल लगता है। जिस ऊपर से आप थोड़ा सा तेल इसमें लगा दो और इसमें ही ये टिक्की फ्राई हो जाएगा। एक साइड पक जाए तो दूसरा साइड फ्लिप कर दीजिएगा ताकि दोनों साइड ही अच्छे से पक जाए। ऐसे हमारा आलू चिकन टिक्की बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको आप सॉस या कोई भी डिप के साथ खा सकते हो। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरा चैनल क्यूरियस करी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्यूरियस करी।